प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पालघर में शिवाजी की प्रतिमा टूटने पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि शिवाजी हमारे आराध्य देव हैं, मैं चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा, जब 2013 में भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहले रायगढ़ के किले में जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठकर प्रार्थना की और राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा आरंभ की थी। पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, आज मैं सिर झुकाकर मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 2-3 दिन पहले ही दिघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र के विकास को मंजूरी दे दी है, यानी ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए डबल खुशखबरी है। ये छत्रपति शिवाजी के सपनों का भी प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पास विकास के लिए सामर्थ्य भी है और जरूरी संसाधन भी है। यहाँ समुद्र के तट भी है और इन तटों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सदियों पुराना इतिहास भी है। यहाँ भविष्य की अपार संभावनाएं भी है। इन अवसरों का पूरा लाभ महाराष्ट्र और देश को मिले, इसके लिए आज बाढ़वाड़ पोर्ट की नींव रखी गई है। यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट के में से एक महत्वपूर्ण पोर्ट होगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही तटीय सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में 35 फुट ऊंची शिवाजी की इस प्रतिमा का उद्घाटन किया था।